मत है नहीं कि आप अपनी जिहड़ी मत हैगी आ गुरु तो लैके तुरीए। साडी मत साडी बहुत हरेक बंदे दी लिमिटेड कैपेसिटी है टू थिंक, पर जो संगती तौर पर बह जाने वो इनक्रीज हो जाती है। जो आप सेध जी गुरु ग्रंथ तो लें, तुम मनो ना मनो इन अजमा लियो, अरदास करके जो सिख तुरते हैं ना वो कामयाब होंगे। क्योंकि जी अरदास ताकत आ, अरदास जो करते ना आप सीधा परमात्मा के नाल आप गोष्ठी गलबात कर देते हैं, तो जो संगती रूप से करते हैं परमात्मा सुनते ही सुनता। सो गुरु ग्रंथ तो सीध लैके जड़िया पुरानी अपन गल् सिखाई जाती ना, आप उस टाइम जो अपना वखरेवा से वखरेवे गुरु में नथिंग, अपने भैन भरावान के भी तो होंगे आ। जो आप गुरु की शरण लग गए फिर अपने वखरेवे खत्म है, चाहे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन भी हो, अमृतपाल सिंह भी हो, पर जो उन्होंने चैलेंज कर तरीका तुम देख लो उन्होंने किन्ने समझ की लड़ आ। ये सरकार ने जी हूं की गल पुरानी नहीं गल करता, फिर गल लंबी हो जानी, जो बोलने लाया दो मिनट लाऊंगा। जिड़ी एक शब्द यूज किया कि किसान मोर्चे च कोई जित प्राप्त की, कोई जित नहीं प्राप्त की। इस संगत च मैं देख रहा असी आप सारे संगतान के नाल गुरुद्वारे सोग न इतने खड़ते रहे 72-120 से, उन्होंने मैनू ना 10 बंदों तो वह नज़र नहीं आ रहे थे। वो किन्ने लख का कट सी जो चंडीगढ़ च नहीं नज़र आ रहा। जेड़ी जिनी कि भी आप सक्सैस की है वह सक्सैस पता की सी, वह सक्सैस सी जिहड़ी असी गुरु दे उत्थे लंगर लाए, उत्थे जाके आप पाठ किए, उदे नाल जिहड़े सिखां दा एक वंडरफुल जिहड़ा करैक्टर सीगा वह सारे वर्ल्ड सामने आया। उतों सरकार डर गई क्योंकि वह कला सिखां दा नहीं, जिहड़ी सिख डिमांड्स ने उहदे वास्ते भी एक कंसंट्रेटेड ओपीनियन मेकिंग होंदी। ओपीनियन मेकिंग बहुत जरूरी आ वर्ल्ड ओवर, जो तुसीं कोई चीज़ लैनी आ पर राज भी लैणा आपां नूं लोड़ पैणी है। आपां तैयारी कर रहे हां, अज भी आपां बैठे हां ना, ये अपने उस स्टैप्स है, इट्स कॉल्ड बेबी स्टैप्स, अपने बेबी स्टैप्स ने किसी राह वाले पास। और गौरमेंट ने जो वो हार हुई उदन ही तहैया कर लिया, मैं इतने बोलिया भी सी उदों कि हुण सरकार आपां नूं किसी ना किसी तरीके नाल कोशिश करूगी। और अज जिहड़ी उहदा फायदा लैके उस मोर्चे का भगवंत मान बनिया सीगा, ते सेंटर सरकार A&B टीम बन के खेड रही ने और अपना शिकार हो रहा। यह उदों ही प्रोग्राम बन गया सीगा जिद आपां लगता सी आपां जित प्राप्त कर लिए किसी, मैं उन्होंने जित नहीं समझता। हाँ वो साडा उन्होंने उदों भी देखा एमरजेंसी लगी सी तां साडे मगर इंदिरा गांधी पई, क्योंकि सर नालों वध पंजाबियां ने सिखां ने उहदा विरोध किया सीगा। किसान मोर्चा चलिया सर नालों वध ते सर नालों ज़्यादा सपोर्ट पंजाब चली, उदों साडे ते 84 बन के उन्होंने सानूं कुटिया, हुण उह फिर तैयारी च ने। हुण आपां देखणा है कि आपां एक डिसिपलिन च रहिंदे होए किदां स्ट्रैटजी बनानी है, लोंग टर्म स्ट्रैटजी नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटजी यही होंगी जिवें आपां मुजाहरा कीता हुण फिर करना, ये भी करने आ। इहदे वास्ते भी मेरी एक सलाह जरूर आ कि जिहड़े मुजाहरे आ उहदे विच 15 दिन का या 7 दिन का टाइम जरूर दिता जाए। उस तो अलावा इस तरीके के जिहड़े कट आ उह चाहे वीकली के 15 दिन के होण। स्ट्रैटजी मित्रों एक दिन च नहीं बनती, स्ट्रैटजी वास्ते कोई जिवें पिछली बारी प्रभ शरण जी ने एक गल सोहनी की थी, कोई छोटी जी कमेटी बना लो, उहदे विच बंदे मीटिंगां मूटिंग्स कर इनपुट लो, तो फिर एक स्ट्रैटजी कौम तुहाडे वल देखदी। जदों गुरुद्वारा साहब मैं आना ना, मैं अपनी परसनली गल करदा, मैं लगदा संगत भी ऐं करदी हुंदी, मैं जदों ना मैं गुरु की गल सिखण ते सुणन आना, मैं सोचांदा वां मैनू उत्थे गुरुद्वारे आवां ते मैनू कोई इहो जिहा सिंह मिले जिहड़ा कि मेरी जिहड़ी होर जिंदगी आ उहदे मैनू कोई सिखा सके। इस करके गुरुद्वारे अपने बणे आ, गुरु की गल करन आउंदे आ। ये जिहड़ा कट है इकला ये कट ना समझो कि अपना कोई डिसेंट का कट आ, ये कट अपनी कौमी स्ट्रैटजी का भी कट आ, जिहड़ा कि कनेडा च अजिहे कट इदां पहलां बहुत कट हुंदे रहे आ, हुण वध जाण। ये गुरु महाराज कोल मैं अरदास करदा आ, अपने आपां सारे इकट्ठे आ, आपां अरदास करके हमेशा चलिया करो ते गुरु दे लड़ लगो, गुरु तो मत लैण दी आपां कोशिश करिए। गुरु तो वड्डा कोई नहीं, मेरे कोल कुछ कहिंदे कोई छोटी वड्डी गल की होवे गुरुद्वारे साहब वाले दा टाइम मैं ज़्यादा लै लिया, माफ़ी मांगदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।